इधर अनिल विज ने यमुनानगर में मीडिया से रूबरू होते हुए हरियाणा को सुधारने का जिम्मा उठाने की बात कही। उन्होंने इस दौरान विपक्ष को आड़े हाथ लिया। इतना ही नहीं, पेंशन बढ़ोतरी को गृह मंत्री ने नए वर्ष का तोहफा बताया और क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। अपने तेज तर्रार व्यक्तित्व के लिए जाने जाने वाले गृह मंत्री अनिल विज हरियाणा सुधार अभियान में जुट गए हैं। यमुनानगर में अनिल विज ने ओपी चौटाला पर जुबानी प्रहार किया। ओपी चौटाला ने अनिल विज और दुष्यंत चौटाला पर बयान दिया था। इस बयान को अनिल विज ने ओपी चौटाला की नकारात्मक सोच बताया है। सरकार बहुत अच्छी चल रही है, दुष्यंत चौटाला जी भी बहुत काम कर रहे हैं और सभी जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सभी काम कर रहे हैं और इस सरकार को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। अब चौटाला जी का तो समझा जा सकता है कि अब इतनी डिप्रेशन तो हो ही जाती है जेल में इतने दिन रहने के बाद और इतनी उम्र होने के बाद। नशे की रोकथाम पर विज ने ऑपरेशन प्रहार शुरू करने की बात कही। हरियाणा ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने नशे पर कार्रवाई करने की भी बात कही, साथ ही हरियाणा से जल्द ही नशे को उखाड़ फेंकने का दावा किया। इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने जा रहे हैं हरियाणा ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसके पास सिर्फ नशे पर कार्रवाई करने का काम होगा। जो रूटीन पुलिस है उनके पास तो बहुत काम है, कई तरह के काम है, तो हर तरह से कई बार वो प्रॉपर उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और जब तक वो नहीं बन जाती है तो अमिताभ ढिल्लो की जो एसटीएफ है उसमें एक वर्टिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी की जा रही है एक इंडिपेंडेंट एसपी के नेतृत्व में, जो नशे के खिलाफ काम करेगी। नशे को हरियाणा से उखाड़ दूंगा, चाहे कहीं पर किसी कोने में भी होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शैलजा के ट्वीट के सवाल पर बोलते हुए विज ने कहा कि शैलजा जी हरियाणा के राजनीतिक मुद्दों से वाकिफ नहीं है। इस दौरान उन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर भी बात की, साथ ही पेंशन बढ़ोतरी को नए साल का तोहफा बताया। तो मुख्यमंत्री जी ने नए वर्ष का तोहफा दिया, ₹250 की पेंशन बढ़ाकर, और जो हमारे दोनों पार्टियों के बीच में कॉमन तय हो जाएगा हम उसको लागू करेंगे। शैलजा जी को इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज तल्खंदाज में दिखे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया और साथ ही पेंशन बढ़ोतरी को नव वर्ष का तोहफा करार दिया। स्पेशल डेस्क खबरें अभी तक।